बिहार जैसी न्यूज हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। एसएसपी के आदेश पर जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती रात कटघर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसका खुलासा आज एसपी प्रेस वार्ता के दौरान किया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी अंकित मित्तल ने बताया कि कटघर थाना पुलिस बीती रात चेकिंग के दौरान दो बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथ ही काफी देर की मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने शातिर बदमाश लक्ष्मण व छुट्टन को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ। एसपी सिटी ने यह भी बताया कि दोनों बदमाशों पर 20,000 का नकद पुरस्कार घोषित था। ये कल रात जो है कटघर पुलिस चेकिंग कर रही थी तो उस दौरान एक मुठभेड़ के द्वारा सूचना दी गई कि जो जनपद में जो लूट की घटनाएं घटित हुई हैं उनसे संबंधित अभियुक्त जो है वो एक रास्ते से आ रहे हैं। उसी सूचना पर जब ताक लगाकर पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो सामने से दो बाइक आ रही जो कि पुलिस के द्वारा टॉर्च लगाने पर जब रोकने का प्रयास किया गया तो वे लोग उसमें से एक बाइक जो है वो वहाँ बाइक वापस करके भाग और दूसरी बाइक जो घुमाते समय गिर गई और तुरंत पुलिस को देखकर उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसी क्रम में जब पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उनसे उपचार के दौरान जब उनसे बातचीत की गई तो उनके द्वारा कुछ घटनाएं इस जनपद की और अन्य जनपद की कबूल की गई और इसके अलावा दोनों बदमाशों पर लगभग 40 मुकदमे इस जनपद और अन्य जनपद दर्ज। पकड़े बदमाशों से कोई अवैध हत्या बरामद की गई? पकड़े गए बदमाशों से लूट में करीब तबंचा और लूटी गई धनराशि और इसके अलावा एक बाइक स्प्लेंडर जो है बरामद की। घटना में कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? घटना में एक सिपाही भी जो है उसके हाथ से गोली लगी।